गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स सब्जेक्ट SST चैप्टर 3। चैप्टर को जो नाम चल रहा था इंदू वैली सिविलाइजेशन, इंदू घाटी की सभ्यता। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने टूल्स एंड वेपन्स, हथियार औजारों के बारे में पढ़ा है कि जो इंदू घाटी सभ्यता के जो औजार हथियार थे वो कैसे थे। अब इससे आगे पढ़ते हैं हम ट्रेड। ट्रेड मीन्स होता है व्यापार। ट्रेड मीन्स क्या होता है? व्यापार। द रिमेन्स ऑफ डॉकयार्ड शो दैट ओवरसीज ट्रेड एग्जिस्टेड। द रिमेन्स मान अवशेष। रिमेन्स मीन्स क्या होता है? अवशेष ऑफ डॉकयार्ड शो, मतलब वहाँ की जो घाट सिंधु जो इंदू घाटी की जो सभ्यता है वहाँ के जो अवशेष बताते हैं कि ओवरसीज ट्रेड एग्जिस्ट, कि वहाँ का जो समुद्री व्यापार था, वहाँ का क्या था? समुद्री व्यापार वो वहाँ पर अस्तित्व में था। वहाँ का जो समुद्री व्यापार वहाँ के अस्तित्व में था। द ओवरसीज ट्रेड वाज परहैप्स कैरिड ऑन फ्रॉम लोथल इन गुजरात। तो इसमें कह रहा है द ओवरसीज OVERSEAS ओवरसीज का मतलब क्या होता है? समुद्री व्यापार, विदेशी। समुद्री व्यापार बोल दो उसको या विदेशी। तो इसमें कह रहा था ओवरसीज ट्रेड वाइज परहैप्स, यहाँ वहाँ का जो विदेशी व्यापार था, समुद्री व्यापार था, वो फ्रॉम लोथल से इन गुजरात, गुजरात में जो लोथल है उससे होता था। कॉपर टिन गोल्ड एंड सिल्वर वर ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड। कॉपर मीन्स तांबा, टिन जस्ता, गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी। तांबा, जस्ता, सोना और चांदी वर ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से लाए जाते थे। तांबा, जस्ता, सोना और चांदी बाहर से लाए जाते थे। ट्रेडिंग वाज यूज्ड टू डन कैन बी प्रूव्ड बाई डिस्कवरी ऑफ मेसोपोटामियन सील्स इन इंदू सिटीज एंड हड़प्पन सील्स इन द सिटीज ऑफ एंशियंट मेसोपोटामिया। तो इसमें कह रहा है कि ट्रेडिंग वाज यूज्ड, व्यापार का प्रयोग किया जाता था, टू कैन बी प्रूव्ड, प्रूव्ड या सिद्ध करने के लिए, बाई डिस्कवरी ऑफ मेसोपोटामियन सील्स इन इंदू सिटी, इंदू शहरों में, जो इंदू शहर थे उसमें मेसोपोटामिया जो मोहरें थी उसकी खोज करने के लिए, एंड हड़प्पन सील्स और हड़प्पा की जो मोहरें थी इन सिटीज ऑफ एंशियंट मेसोपोटामिया, जो प्राचीन मेसोपोटामिया के शहर थे, प्राचीन मेसोपोटामिया के शहरों में हड़प्पा की मोहरें और इंदू शहरों में मेसोपोटामिया की मोहरें की खोज की जाती थी। ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेस, इसका मतलब आभूषण और ऑर्नामेंट्स में क्या होता है? आभूषण, और ड्रेस मतलब पोशाकें। ड्यूरिंग इंदू वैली सिविलाइजेशन मैन वोर लॉन्ग लूज अनस्टिचेज गारमेंट एंड ऑर्नामेंट वियर वोर बाई बोथ मैन एंड एज वेल एज वुमेन। ड्यूरिंग इंदू वैली सिविलाइजेशन, इंदू घाटी सभ्यता के दौरान, इंदू घाटी सभ्यता के दौरान मैन मन आदमी वोर पहनते थे लॉन्ग लूज, लंबे ढीले अनस्टिचेज गारमेंट, बिना सिले हुए कपड़े, लंबे ढीले बिना सिले हुए कपड़े पहनते थे। एंड ऑर्नामेंट और आभूषण वर वोर बाई बोथ मैन एंड वुमेन, और जो आभूषण थे वो मनुष्यों मतलब आदमियों और महिलाओं के द्वारा भी पहने जाते थे, दोनों के द्वारा। वर्शिप, वर्शिप में से होता पूजा। द इंदू पीपुल वर्शिप्ड मदर गॉडेस, जो इंदू घाटी के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। दे यूज्ड टू वर्शिप्ड नेचर इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स बर्ड्स एंड ट्रीज। दे यूज्ड टू वर्शिप्ड, वे प्रकृति की पूजा करते थे इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, जानवर पक्षी और पेड़, जानवर पक्षी और पेड़ों के रूप में प्रकृति की भी पूजा करते थे। सम स्कॉलर्स बिलीव्ड दैट ग्रेट बाथ एट मोहन जोदड़ो वाज यूज्ड एज रिलीजियस प्लेस फॉर कंडक्टिंग सेरेमनीज। सम स्कॉलर्स बिलीव्ड, कुछ विद्वान विश्वास करते हैं कि ग्रेट बाथ एंड मोहन जोदड़ो में जो बड़ा स्नानागार था वाज यूज्ड, प्रयोग किया जाता था एज रिलीजियस प्लेस, धार्मिक स्थान के लिए, फॉर कंडक्टिंग सेरेमनीज, समारोह करने के लिए, जो कोई भी उत्सव या कार्यक्रम करने के लिए, आयोजित करने के लिए, वो जो मोहन जोदड़ो में जो बड़ा स्नानागार था वो एक धार्मिक स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता था। डिक्लाइन माने पतन, उसका पतन कैसे हुआ? इन अबाउट 3500 ईयर्स एगो बोथ द सिटीज वर डिस्ट्रॉयड ओवर एंड ओवर अगेन। 3500 साल पहले दोनों शहर, कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो ओवर एंड ओवर अगेन डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गए। क्या हो गए? वो नष्ट हो गए। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिक्लाइन आर नॉट नोन, उसका जो निश्चित जो पतन है
कि उसका पता निश्चित तरीके से कैसे हुआ उसका अभी अभी पता नहीं लग चुका है। सम रिसर्चर्स सेज दैट द ड्रेन्स वर चॉक्ड एंड गार्बेज गॉट पाइल्ड अप ऑन द रूट्स। सम रिसर्चर्स कुछ जो खोजकर्ता कहते हैं कि ड्रेन्स वाले नाले वर चॉक्ड रुक गए थे एंड गार्बेज और जो कूड़ा था वह गॉट पाइल्ड अप ऑन द रूट्स सड़कों पर ढेर बन गया। कुछ खोजकर्ता कहती हैं कि जो नाले थे वहाँ के वो चौक पूरी तरह से चौक हो गए थे मतलब चौक मान रुक गए थे और जो कूड़ा था वो सड़कों पर इकट्ठा हो गया था। सम सेज कुछ लोग कहते हैं कि देयर मे हैव बीन नेचुरल डिसेस्टर्स सच एज अर्थक्वेक फ्लड ईटीसी कि वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएँ आई जैसे भूकंप और बाढ़। कुछ लोग और कहते हैं कि वहाँ पर भूकंप और बाढ़ जैसी आपदा आई उससे क्या हो गया वहाँ पर उसके कारण वहाँ का नाश हो गया। और ड्यू टू चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर इंदूज और वहाँ का जो इंदू नदी थी उसके परिवर्तन होने से इंदू नदी में परिवर्तन आने से वहाँ पर क्या आ गई बाढ़ आ गई और वहाँ पर भूकंप भी आ गया इस कारण वहाँ पर नाश हो गया। कुल मिला के वहाँ का पतन इस तरीके से हुआ। यह विभिन्न विद्वानों का अपना अपना अलग अलग मत है। ओके थैंक्स।